इस समय बज गए हैं शाम के 7 और मेरी शाम की आरती हो चुकी है और अब बारी है किचन में जाने की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस समय बज गए हैं शाम के 7:30 और आज तैयारी हो रही है कि रात के डिनर में क्या बनने वाला है। तो काफ़ी देर डिसाइड करने के बाद पहले मैंने ये धो करके रखे कुंदरू तो ये बनने जा रहे थे, बट फिर डिसाइड हुआ कि नहीं अभी ये नहीं बनना है, दाल की टिक्की बनेगी। फिर वो भी डिसाइड नहीं हुआ और पोस्टपोन हुआ। फिर लास्ट में ये हुआ कि अब बनना चाहिए क्या, मैक्रोनी। तो मैक्रोनी की तैयारी अब हम करने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रिपरेशन करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपसे मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है और जब तक बॉयल हुई तब तक मैंने ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च को कट कर लिया है। इसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है ऑयल। इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन और हरी मिर्च। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को भी बिल्कुल लाइटली ब्राउन भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। टेस्ट को और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला। इसमें अभी हम और भी मसाले ऐड करेंगे, तो जितने भी मसाले मैं ऐड कर रही हूँ सारे आप देखिए। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और मसालों को अच्छे से टमाटर की जो प्यूरी यानी ग्रेवी तैयार हुई उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसे इसी तरीके से भूनेंगे। अभी ग्रेवी हमारी तैयार नहीं है, अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें पड़ने वाली हैं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ। तो ये सारा मटेरियल रखा है जो कि इसके अंदर ऐड होगा, यानी कि तो सबसे पहले इसमें ऐड हो रहा है सोया सॉस। तो सोया सॉस मैंने आइडिया से डाल दिया है 2 बड़ी चम्मच, कोई मेजरमेंट मैंने इसमें नहीं लिया है। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर मैं आधा ढक्कन इसमें डालूंगी, इतना ही पर्याप्त है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये खट्टा हो जाएगा और फिर ये अच्छी नहीं बनेगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। तो ये देखिए चिली सॉस का भी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया और इसे भी मैंने आइडिया से डाल दिया करीब 1 से 1.5 चम्मच छोटी वाली, क्योंकि तीखा बच्चों को कम पसंद है तो इसलिए उसी के हिसाब से मैंने ग्रीन चिली सॉस को डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। तो ये नई बॉटल है तो इसको ओपन कर रहे हैं, तो मेरी बेटी इसको ओपन कर ले रही है और एक तरफ हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई, तो उसने चाकू से इसको ओपन कर दिया है। और जो टमाटो सॉस है तो वो भी मैंने आइडिया से डाल दिया है। और टमाटो सॉस बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि इनमें ऑलरेडी हम टमाटर पहले ही डाल चुके हैं, तो इसको सिर्फ हमने फ्लेवर के लिए डाला है 1 बड़ी चम्मच। और देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो अब इसको करते करते बज गए हैं रात के 8:40 और ग्रेवी हमारी पूरी तरीके से तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मैक्रोनी है। तो अभी आप ये देख रहे हो कि मैं प्लेट में इसको क्यों निकाल रही हूँ, तो मैं आपको भी आपको बता दूँगी। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ मैक्रोनी। तो इसमें मैक्रोनी मैं पूरी नहीं डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी आधी। तो अभी मैंने ग्रेवी आपको निकाल के दिखाया, उसका कारण ये कि मैं 2 बार में बनाऊँगी इसको, क्योंकि अभी बच्चे खाएँगे और हस्बैंड नहीं खाएँगे, तो इसलिए 3 लोगों के हिसाब से मैंने अभी बना लिया है और 2 लोगों के हिसाब से मैंने मैक्रोनी को
रोक दिया है। तो अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और डाल दे, क्योंकि बैटर थोड़ा सा इसके हिसाब से ठीक नहीं था। तो मैंने थोड़ी मैक्रोनी को इसमें और बढ़ा दिया, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला देंगे, और इस तरीके से हमारी मैक्रोनी बन करके रेडी हो जाएगी। मैक्रोनी अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी एक चीज़ डालनी बाकी है। जी हाँ, तो इसमें साल्ट भी बाकी है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साल्ट। तो इतनी मैक्रोनी के लिए 1 चम्मच साल्ट पर्याप्त है। साल्ट डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारी मैक्रोनी बन करके रेडी हो जाएगी। बस इसे हम 2 से 3 मिनट और अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाले और ग्रेवी है हमारी मैक्रोनी में अच्छे से लिपट जाए। तो ये बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बन करके रेडी होती है, और बस बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि फटाफट बन करके मुझे मिले और मैं खाऊं। मैक्रोनी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, और थोड़ा सा बैटर निकाल दिया है, क्योंकि अभी बड़ा बेटा खाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जो है जो मैं काऊ का बेबी रेस्क्यू किया, तो उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर रहा है, तो इसलिए अभी वो नहीं खाने को है, तो उसके लिए भी छोड़ दिया। तो जब वो आएगा तो गरम गरम उसके लिए बना देंगे। और बाकी ये मेरी प्लेट रेडी हो गई है, तो देखिए इसका कलर तो काफ़ी अच्छा आया है। तो मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ चेयर पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको खाने के लिए। और चलिए मैं देखिए आप पहले कैसी बनी आप बताइए, फिर खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और इस रूम का अंधेरा, लाइट ऑफ है तो अंधेरा आपको दिख रहा होगा, तो चलिए मैं खाने के बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो अब बेटा भी उसकी ड्रेसिंग वगैरह करके आ गया है, तो मैंने फिर से गैस को ऑन कर दिया है, और जो हमने बैटर निकाल दिया था उसे दोबारा से मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें क्या मैंने दोबारा में ये किया कि मैंने जो बैटर था वो डाल दिया है, और जो मैक्रोनी बॉईल की हुई रखी थी उसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सबसे लास्ट में नमक डाल देंगे। तो इस तरीके से मेरी फिर से दोबारा मैक्रोनी तैयार हो जाएगी, तो अब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। तो कैसी लगी मेरी मैक्रोनी की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा मुझे वो भी आप बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और इस तरीके से आप मैक्रोनी एक बार ज़रूर बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज मैक्रोनी बन करके रेडी होती है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब खुश रहें और मस्त रहें, और अपना ख्याल जरूर रखें।